खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पटना एयरपोर्ट पर लगे नारे, डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो। बिहार विधानसभा के हुए चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 48 घंटे बाद चुप्पी तोड़ते हुए गुरुवार को कहा था कि आज एनडीए की एक औपचारिक बैठक होगी, जिसमें सभी चारों दलों भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एवं विकासशील इंसान पार्टी के बड़े नेता मिलेंगे। एनडीए की इस मीटिंग में नई सरकार के गठन और स्वरूप पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा था कि एनडीए में सीएम का चेहरा कौन होगा या एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा। इसके बीच एक बड़ी खबर बीजेपी से निकलकर आ रही है, जहां वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आ। पटना स्नातक सीट से वेंकटेश शर्मा को लालू राबड़ी का आशीर्वाद भी नहीं आया काम। वोटरों ने फिर से नीरज कुमार पर जताया विश्वास। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी आजाद गांधी को पराजित कर दिया है। इस तरह से पटना शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा और जदयू कैंडिडेट का कब्जा बरकरार। अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, 5 लाख रुपए की लूट। हाजीपुर में बाइक से जा रहे कारोबारी को अपराधियों ने रास्ते में रोका और लूटपाट करने लगे। इस दौरान कारोबारी ने जब विरोध किया तो उसे अपराधियों ने गोली मार दिया। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के हथसौड़गंज की है। तेजस्वी पर हमलावर हुई जदयू, पूछा आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडई पर मौन क्यों। पटना में जदयू नेता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें जालसाजी का सरताज बताया है। नीरज कुमार ने कहा है कि जो लोग चुनाव आयोग के आदेशानुसार अनुपालन नहीं करते हैं वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया है और आज चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट, सदाफत आश्रम में विधायक दल का नेता चुनने के दौरान आपस में भिड़े। कांग्रेस मुख्यालय से आ रही यह खबर, विधायक दल की बैठक के दौरान आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कांग्रेस नेता विजय शंकर दुबे को किसी नेता ने चोर बोल दिया, जिसके बाद हंगामा और हाथापाई शुरू हो गई। दीपावली से ठीक पहले 25 झोपड़ियां जलकर राख, लाखों की संपत्ति स्वाहा, जान बचाकर भागे लोग। कटिहार से यह खबर आ रही है, जहां एक घर की चिंगारी ने 25 घरों को जलाकर राख कर दिया। आग से लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान के बाद फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू कर लिया गया है। पाले में निर्दलीय विधायक एमएलए सुनील सिंह पहुंचे सीएम हाउस। बिहार में इस बार 20 चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और कभी नीतीश कैबिनेट के मंत्री रहे नरेंद्र सिंह के बेटे सुनील सिंह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए हैं। नीतीश कुमार आज शाम करेंगे कैबिनेट की मीटिंग, विज भंग करने का प्रस्ताव होगा पास। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 नवंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उस दिन वर्तमान विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाना था, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। आज शाम ही 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वर्तमान सरकार का कार्यकाल 29 नवंबर तक है, लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, लिहाजा आज ही विस को भंग करने का प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
बिहार में मिले कोरोना के 581 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 226,081। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में कोरोना के 581 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़कर 226,081 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,955 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।